वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4, 1 to 7 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स की वैल्यू 1 और 2 पे जा रही है। व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस नहीं है। कब नहीं है? जब एक्स की वैल्यू 0, 1, -1 और नन ऑफ दिस। कौन सा वाला फंक्शन रहेगा? अब आपको बोल रहा है गिवन ये फंक्शन आपको 0 के अबव ही गिवन है, तो 0 माइनस पे वाला फंक्शन है, 0 प्लस पे भी 1 है एंड x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 दे रहा है। तो दोनों वैल्यूज क्या हमारी अलग ही है, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। डिसकंटीन्यूअस कब होगा? x इक्वल टू 0 पे होगा। x इक्वल टू 0 इसका आंसर होगा। पीछे का गिवन है यही गिवन है। 1 टू 7 में और कोई डाउट? 6th में थर्ड वाले में डाउट है, 6th वाले में डाउट है। 6th का आंसर बुक के पीछे गलत गिवन है। पहले थर्ड देखो, fx इज इक्वल टू -2 एंड 2x, x लेस देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन इनफिनिटी। आपको बोल रहा है फंक्शन नॉट कंटीन्यूअस, नॉट कंटीन्यूअस, नॉट कंटीन्यूअस आपको बोल रहा है। सिंपल सी बात है, पहला वाला जो इसका पार्ट है नॉट कंटीन्यूअस, x इक्वल टू 1 ये हो नहीं सकता, सी पार्ट नहीं हो सकता, डी पार्ट नहीं हो सकता। चेक करो कौन सा करता है बी वाले पार्ट के लिए, क्योंकि मेरे को -1 के अबाउट फंक्शन गिवन है। जब x की वैल्यू -1 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है? -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 आ रही है। राइट हैंड लिमिट पे नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे, दियो देना हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 -h, x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1 -h, h को 0 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा -2। यहां पे -2 था। Add 2 पे फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सॉरी नॉट 2, -1। Add -1 फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सेकंड वाला यूज करेंगे। फर्स्ट वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? -2 है। तीनों पॉइंट सही है। तो फंक्शन -1 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? नॉट बोल रहा है। तो सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। जिन्होंने घर पे करे हैं वो कैसे करेंगे वो समझ नहीं आया, जिनके डाउट नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, fx is equal to 4 minus x square, 4x minus x cube। आपको इसमें बुक के पीछे आंसर गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, डिस्कंटीन्यूअस एट 3 पॉइंट। बस फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखो ये 4 minus x square है, इस फंक्शन को फैक्टराइज करो तो न्यूमरेटर में 2 plus x upon 2 minus x आएगा, डिनोमिनेटर से x कॉमन लेने के बाद 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, नहीं भी करता मैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, फंक्शन हमारा कैंसिल। सिंपलीफाइड फॉर्म में क्या आ गया आपके पास? फंक्शन 1 बाय एक्स आ गया ये। अभी क्योंकि ये फंक्शन 1 बाय एक्स आ गया है, यहाँ पे अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो फंक्शन इंफिनिटी पे टेंड करेगा, जिसकी वजह से फंक्शन जो हमारा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। कब? एट 1 पॉइंट। और 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 0। बट अगर यही फंक्शन मेरा इस टाइप से हो जाता 3 माइनस एक्स अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स, एक्स कॉमन, 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब एक्स को 0 पुट करूंगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एक्स को यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, एक्स को -2 पुट कर दूंगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 3 पॉइंट पर आ जाएंगे। फिर है जी इस वाले में ऊपर कट रहा है, यहाँ पे कट नहीं रहा, तो इस वाले में 3 पॉइंट आएगा, इस वाले पॉइंट में 1 पॉइंट आएगा। जी करता ऊपर वाले में थर्ड क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा ना, इसीलिए
से कोई भी छोटा नंबर है और माइनस वन से कोई छोटा नंबर है तो अगर सपोज कर लो ये जो आपका यहाँ पे सेकंड जो फंक्शन हमारे पास यहाँ डिफाइंड है करवा गया सर पीछे जो आंसर गिवन हो सकता है वो ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वन गिवन है आपका तो बेसिकली जैसे इक्वल टू माइनस वन अब ये ना डिफाइन कर रखा है किसी वैल्यू के लिए है। मैं अब यहाँ पे एक काम करता हूँ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू माइनस टू कर दूँ दो तरफ माइनस टू करो फिर चेक करो माइनस थ्री की चेक करो फोर पे चेक करो तो हर एक पॉइंट पे चेक करो यहाँ पे एक पॉइंट की बहुत डिफरेंस ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ भी डाउट है सेवेंथ में आप क्या करें एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स तस्लीम डाउट तनिष डाउट और जो ऑफलाइन बैठे नोट कर लो साथ साथ बेटा वेट मत करो कि कर करोगे फिर आप 19 ओके 1 टू 7 में डाउट नहीं है ये वाली बुक जब खत्म हो जाएगी ना फिर पूरे पूरे सैंपल पर थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बुक में f(x) cot x cot किसके लिए होता है बेटा cos / sin तो ये फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस कब हो जाएगा द sin x 0 हो जाएगा अभी तो फंक्शन क्या होगा डिस्कंटीन्यूअस आपसे डिस्कंटीन्यूअस पे ही पूछ रहा है तो sin x 0 कब होता है sin n pi पे x कितना आ जाएगा n पे डिस्कंटीन्यूअस है x इक्वल टू n पाई आ जाएगा ठीक है इसका भी डाउट है। एक बार बेटा ये फंक्शन हमारा डिस्कंटीन्यूअस कब होगा जब फंक्शन जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाए क्योंकि जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस होगा मतलब ये इक्वल टू जीरो होगा साइन में जीरो का होता है एन पाई पे साइन साइन कैंसिल एक्स इक्वल टू एन पाई। अगर टैन एक्स के लिए पूछता आपसे अगर tan x पूछता तो tan का केस क्या होता है sin x / cos x होता है तो cos हो जाएगा 0 cos 0 का होता है 2n + 1 pi / 2 पे तो एक नोट कर लो इसको साथ साथ ये tan के लिए है tan के लिए यहां पे डिस्कंटीन्यूअस हो जाएगा तो हम बात करते हैं कोसेकेंट की कोसेकेंट ये ब्लॉक कब होगा कोसेकेंट कब होगा डिस्कंटीन्यूअस कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन तो साइन 0 हो जाएगा तो सेम केस आ जाएगा। अगर मैं सेकेंट के लिए बोलूंगा सेकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस होता है कॉस 0 का हो जाएगा ये रहा केस। तो आप ऐसे सब आपस में इंटररिलेटेड है तो दिमाग खोल के करना पड़ेगा। एक बच्चा पूछा सर कुछ आता ही नहीं है पढ़ूं कैसे क्या से शुरू करूं तो जो जो करते जा रहे हैं उसके बेसिस पे रेगुलरली इसको रिपीट करते रहो मन मारकर उसको प्रैक्टिस करते रहो और डाउट लेते रहो किस तरीके से पहले बोल दो कि इससे 1 टू 40 करने तो 1 टू 40 के पहले तरह के सॉल्व करने अच्छा डाउट ज्यादा होंगे तो अच्छा। अब 8 टू 19 में 19 वाला डाउट है जस्टिन का और कौन सा 30 कंटिन्यूअस है ये कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लेवल राइट हैंड लेवल के इक्वल होगा। अब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 भी ये फंक्शन दिया है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ही साइड सॉल्व करना। मैं लेफ्ट हैंड सॉल्व कर लेता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 माइनस h तो ये माइनस h पुट करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 5 माइनस h होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस h sin का एंगल नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 2h h स्क्वायर माइनस 2h माइनस बाहर नोट कर लो यार साथ साथ sin 5h h स्क्वायर माइनस 2h में से
h कॉमन निकालो तो यू विल लेफ्ट विद h माइनस 2 sin 11 standard sin x tending to 0 sin का जो एंगल ऊपर होगा वही नीचे होना चाहिए तो हम यहां पे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ये हमारा 1 बन जाएगा तो -1 × 5 0 − 2 क्या आंसर आ जाएगा 5/2 आ जाएगा और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है तो है नोट कर लो आपने भले कर भी रखो नोट करो अगर आपने कोई क्वेश्चन कर भी रखा है उसको दोबारा नोट कर लो हो सकता है आपने अलग मेथड से कराओ मैंने अलग से कराओ अब फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटीन्यूअस बोल रहा है x equal to 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों का सेम रहेगा यहां पे आपके पास वैल्यू आ रही है 5/2 which is equal to k plus 1/2 लेफ्ट पे लाएंगे 4 आ जाएगा ये आ रहा है गलत है ये 2 आएगा अब सर मैं इतना बड़ा सॉल्व करूंगा पेपर में सॉल्व करूंगा मत करो किसने बोला 1 मार्कर ही तो है तो मैं इसको और दूसरा तरीका क्या था लिमिट निकालनी है ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 11 का फार्मूला यूज कर लो डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लो यहां पर बच जाएगा x प्लस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये कितना आ गया और x को 0 5/2 आ गया दे रहे जी यहां पे 5/2 यहां पे भी 5/2 सेम काम कर रहा हूं मैं दोनों तरफ तो ज्ञान भी नहीं थोड़ा बोलो तो वीडियो बना दूंगा फॉरवर्ड कर दूंगा देख लेना बैठ के रिवाइज हो जाएगा तो वन मार्कर पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन लिया यहां पर x प्लस 2 साइन का जो ऊपर एंगल होगा वही नीचे दिया होगा तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं 1 हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 2 x को 0 पुट करो 5/2 हो गया नोट करो बड़ा बढ़िया अगला क्वेश्चन करें अगला जो डाउट है जस्टिन वो बता दो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन 13 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस फंक्शन में मॉड लगा हुआ और साथ में आपको x इक्वल टू पाई पे बोल रहा है ये फंक्शन का आपको फॉर्म करना पड़ेगा नो अदर मेथड टू सॉल्व इट रूट टू से मल्टीप्लाई करो रूट टू से डिवाइड करो अब हमने रूट टू ही क्यों चूज करा बिकॉज साइन और कॉस में दोनों की वैल्यू सेम 45 डिग्री की होती है 1/√2 sin x 1/√2 आपके हो जाएगा cos 45 दैट इज पाई बाय 4 1/√2 sin 45 cos x यहां पे बन गया sin x cos y plus cos x sin y equal to sin x plus y हमारा √2 into sin x plus 45 सॉल्व कर लो इसके ऊपर लिमिट लगा लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा लो वहां से मेन सिर्फ क्या था इस फंक्शन को कन्वर्ट करना था उसके बाद तो सारा प्रोसेस सेम ही है कन्वर्जन ही यहां पे हमें करने की है इसके बाद नेक्स्ट 16th वो डाउट था 16th वाले क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है आपके पास गिवन है fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus kx minus 1 minus kx होल डिवाइडेड बाय x आपको मेरे फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे और दूसरा केस इसकी वैल्यू गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0 नीचे का फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 कंटीन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालनी है 0 पे आपको कंटीन्यूअस गिवन है अब जीरो पे अगर आपको फंक्शन कंटीन्यूअस गिवन है तो जीरो के अबाउट ये हमें चेक करना पड़ेगा अबाउट जीरो लेस देन जीरो पे ऊपर वाला फंक्शन होगा मोर देन जीरो राइट हैंड पे ये वाला रहेगा
एंड आपका एट टू पे भी एट जीरो पे भी ये वाला फंक्शन रहेगा। तो बेटर क्या है, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज राइट हैंड एंड एट जीरो पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, सेम है। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस जो कि डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको एफ ऑफ माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच पुट कर दो, यहां पे आने का स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस के एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस के एच होल डिवाइड बाय माइनस एच, एच को जीरो पुट कर दूंगा अगर मैं, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा वन, वन माइनस जीरो इज वन माइनस वन प्लस जीरो इज वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म में आ जाएगी, जब फंक्शन जीरो बाय जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज आप किसको करोगे, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे, हम लोग यहाँ पे जो रैशनलाइज करेंगे वो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, वन माइनस के एच प्लस वन प्लस के एच होल डिवाइड बाय वन माइनस के एच प्लस वन प्लस के एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिससे ऊपर के स्क्वायर कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा वन प्लस के एच होल डिवाइड बाय माइनस एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बैक ओपन करिए वन माइनस के एच माइनस वन माइनस के एच अपॉन माइनस एच माइनस टू के एच अपॉन दिस कैंसिल, आपका क्या बच जाएगा सर, यहाँ पे टू के बच जाए, क्या रह गया टू के, यहाँ पे वैल्यू एट जीरो पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपके माइनस टू आ जाएगी, फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और राइट जीरो की वैल्यू सेम रहेगी, दिस इज 2k इक्वल टू माइनस 2 k इज इक्वल टू माइनस 1, शायद पहली बार गलत सॉल्व होते हैं, ओके सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये भी मल्टीप्लाई आया होगा बट h को जीरो पुट करूंगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये एक मिस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जिससे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, नोट कर लो इसको। इसके बाद 17 वाले में डाउट है, 17 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 17 की डाउट है, 17 वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है x इक्वल कंटीन्यूअस है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए ट्राई करो, क्या नहीं आ रहा है इसके अंदर, कोशिश करो देख के थोड़ा, फंक्शन देख के थोड़ा कुछ नहीं करा तुमने, 18 fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 tan x होल डिवाइड बाय x, और ये फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दे रहा है, तो राइट हैंड लिमिट आपको एट जीरो पे वैल्यू गिवन है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे दोनों फंक्शन सेम ही है, तो 11 स्टैंडर्ड के मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 tan x / 1 x 1 होता है यहां, x x कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 7, इक्वेट कर दो k की वैल्यू 7 आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सर 11 भी पढ़ी नहीं, 20 से 30 ये 18 क्वेश्चन है, 17 पुट करो, आसान सा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में सेम चीज करनी है, और 17 वाला भी मैं ठीक है, 27 वाला डाउट है, 17 वाला भी बेटा मैं सॉल्व कर देता हूं, आपके पास यहां पे फंक्शन गिवन है mx plus 1 x less than equal to pi by 2 x greater than pi by 2, फंक्शन की वैल्यू है sin x plus n
कंटीन्यूअस बोल रहा है x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, जारी तेरे मदद से ही सॉल्व कर लो। आरएचएल पे ये नीचे वाला फंक्शन है और ऊपर वाला फंक्शन लेस देन इक्वल टू, मतलब एक तो एलएचएल और एफ एफ पाई बाय 2 पे सेम फंक्शन है हमारा ऊपर वाला, तो डायरेक्टली इक्वल टू वाला यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड वाले को सॉल्व कर लो। राइट हैंड वाले को सॉल्व करो तो यहां पे h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2 प्लस h लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin पाई बाय 2 प्लस h प्लस n sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, सेकंड वन में sin जो होता है पॉजिटिव ही रहता है, प्लस n लिमिट x टेंडिंग टू 0 h को 0 डाल दूंगा cos 0 प्लस n cos 0 1 होता है, यहां वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस n आ जाएगी और एट पाई बाय 2 क्या होता है गिवन है mx m into pi by 2 plus 1 is equal to 1 plus n, this gets cancelled, m pi by 2 is equal to n है, और आपको कौन सी इक्वेशन कह रहा है true है, c वाली इक्वेशन आपके true आ रही है, n is equal to n pi by 2, इसके बाद 27 क्वेश्चन और कौन से बच्चे आपको डाउट पढ़ने का अभ्यास है डाउट गुड बेटा बेटा अगर कोई टॉपिक ले गया तो वीडियो देखो ना उसकी नहीं नहीं तो बता आपका क्वेश्चन वो जो भी डाउट पूछा जी तो हो गए क्लियर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है कह रहा है आपको व्हेनेवर वी डिफाइन बुक शेयर कर लो बच्चे व्हेनेवर वी डिफाइन derivative at a point x equal to c 27 limit h tending to 0 f of c plus h minus f c upon h, कभी भी इस पॉइंट पे ऊपर डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ निकालना है x equal to c, तो फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो कह रहा देन एट दैट पॉइंट दिस डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड नन ऑफ दीज, अब एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा कुछ भी हो सकता है, जरा जरा भी डेरिवेटिव निकलेगा निकलेगा, जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट ये भी हो सकता है, एग्जिस्ट भी कर सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फिर कह रहे हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, वो तो फंक्शन जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा, बट पर्टिकुलरली अगर इस तरीके से बोलेगा कि हाँ फंक्शन को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं जिसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसी प्रोसेस से निकालेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी तो फंक्शन पे डिपेंडेंट रहेगा, क्लियर है, आंसर के अंदर से पीछे बी मतलब एग्जिस्ट करेगा कंसीडर करके तो रहा एट x इक्वल टू c पे एग्जिस्ट करेगा, बट वैसे फंक्शन यहां पर जो मे और मे नॉट वाला होगा केस टू होगा क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है, वरना ये डेरिवेटिव इसी तरीके से ही हम लोग निकालते हैं, कोई कांस्टेंट लेके चल रहा है इसलिए यहां फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है, मतलब मे और मे नॉट वाला केस हो जाता है तो ये टर्म लेके चल रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। अगला केस तनेश जसलीन 31 नेक्स्ट पेज पे 31 से 43 में कोई डाउट करतान तो कोई क्वेश्चन मुश्किल ही लग रहा है, जिन्होंने नहीं करा कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है वही पूछ लो, एक बार 31 बता दो, गुड अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, अब 31st वाले क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है e raised to the power mod x, दिस इज डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, अब क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है, क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका क्या आएगा e raised to the power mod x मल्टीप्लाइड बाय मॉड एक्स का डेरिवेटिव ले लो एक्स की कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ पे वो ना डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो पे ही डिफरेंशिएट होगा, क्या ये सिर्फ एक्स इक्वल टू जीरो पे ही डिफरेंशिएट होगा, अकाश सिंह जसलीन सर जो हो सकता है सर एक्स किसी भी हो सकता है, और दूसरा बोला डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एवरीवेयर, थर्ड बोल रहा है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0,
3x को 0 डाल दूंगा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा मेरा, तो कौन सा आंसर ऑप्शन में जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, सी देगा, क्यों होगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो e की पावर मॉड 0 का आ जाएगा आंसर, तो आंसर 1 ही रह जाएगा, इसको छोड़ के 100 का हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा, एक ही हो गया, 0 0 0, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज सेम एज जो हम लोगों ने पीछे sin x + cos x करा था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13, वहां पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फॉर्म बनानी पड़ेगी sin x - 1 की, क्या आंसर आया मेरा आया, सॉल्व करा जस्टिन, तनेश 32 का आंसर गलत आ रहा है, एक मिनट, 32 क्या दे रहा, 32 का sin cos x = π/2 सेम कन्वर्ट माइनस मार लिया, फर्स्ट में x वैल्यू पुट ही तो कर रहा है, क्या कर रहा है ये सर, माइनस कौन सा आ रहा है, आपको गिवन x = π/3 तो पावर 3 2 पावर 1 - √2 1 चाहिए, ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखो जो पीछे बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास गिवन है cos x - sin x का हमें मॉड लेना है और हमें डेरिवेटिव इसका निकालना है, कब, π/3, π/3 हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 पे 60 डिग्री पे आप ये बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, sin 60 की कितनी होती है √3/2, 1 माइनस √3/2, √3 कितना होता है 1.73, 1 माइनस 1.73 कितना होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो फंक्शन वाला नेगेटिव है, तो मॉड हटाया फंक्शन में किसको बन जाएगा cos x - sin x, ये पाइवेट भी निकालना है, अब डेरिवेटिव निकाल लो, माइनस है sin x का डेरिवेटिव cos x का - sin x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस cos x, मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा sin x + cos x पुट कर दो पाइवेट, ठीक है, तो चेक कर लिया, तो ये हमारा बहुत बड़ा पूरा माइनस एंड रूट कहीं पुट कर सकता है, नेक्स्ट जिसके नीचे वाले क्वेश्चन में ही था वो, नेक्स्ट अगला डाउट 43 तक डाउट, इसका 56 क्वेश्चन नंबर 56, इसमें लॉग लगेगा क्वेश्चन नंबर 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 में वी विल अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड, आपके पास फंक्शन गिवन है y is equal to x की पावर x की पावर x से चलता रहेगा हमारा, आपको dy भी dx डेरिवेटिव निकालना है, अभी जो x की पावर x से हमारा पावर में चलता जा रहा है, तो जिसकी वजह से y किसकी वजह से x की पावर y, log लेंगे, log y is equal to y log x, differentiate with respect to x, फिर अगर y by x plus log x into dy by dx, dy by dx को लेफ्ट पे ले आइए, 1 by y minus log x is equal to y by x. So dy by dx is equal to y times log y into y, y square upon x, 1 minus y log x. कौन सा ऑप्शन है इसका, बी पार्ट आ गया आंसर, ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा भी आता है, y is equal to square root of sin x plus square root of sin x plus square root of sin, चलता रहेगा, तो है क्या y is equal to root of
sin x plus y squaring both sides. तो सॉल्व करने से क्या है? इन सब क्वेश्चन में यही रहता है भाई, सेम फॉर्म अंदर आ रही होती है। 46 46 क्वेश्चन में गिवन है, डिफरेंशिएट द डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, y is equal to e की पावर x क्यूब, डेरिवेटिव e की पावर x क्यूब, पावर का डेरिवेटिव x क्यूब बनाने से 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब d पार्ट आ जाना आंसर। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो बेसिक डिफरेंशिएशन ही नहीं आता, चैप्टर ही नहीं आता था अगर ये नहीं आता तो। अगला डाउट, नेक्स्ट, तना जसलीन तनेश, तना जसलीन तनेश, पंडिका, ग्रेट गुड, मतलब चैप्टर हमारा खत्म हो गया, दैट मींस वी आर रेडी फॉर अ टेस्ट। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का टेस्ट रख लेते हैं हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास। आपको प्रैक्टिस के लिए एक और फिर मैं बुक का भेज दूंगा, कोई और क्वेश्चन भेज दूंगा, वन मार्कर, इसको प्रैक्टिस कर लें इस चैप्टर को। हियर इसके बाद हम लोग चैप्टर एओडी करेंगे, तो थर्सडे मतलब हमारा थर्सडे वेडनेसडे राइट, तो थर्सडे को हम लोग एओडी स्टार्ट कर देंगे। ट्यूजडे में चैप्टर का टेस्ट होगा, इस चैप्टर का जो टेस्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं कंप्लीट करने, जो आप लोगों को वन आवर के अंदर, बिकॉज सभी आप लोगों का फायदा, क्योंकि मैंने आपको सबको पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है, 11 बने जैसे तरीके से ना सॉल्व करा है, सारे क्वेश्चन को सीरीज से सॉल्व करते हो और आंसर निकालते हो, फिर जब सबको सब्जेक्टिव और पूरा थ्योरी लिखनी ही नहीं है तो फायदा क्या पूरा सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को आज बैठ के द्वारा प्रैक्टिस करो, कुछ और वन मार्कर जो थे वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आज रात को अराउंड 10 बजे तक ही, उनको प्रैक्टिस करो, 10 बजे तक नहीं आते कल तक आ जाएंगे, तो उसको प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।